हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फसी अहमद काजमी का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईडीएम को दोबारा ओपन करने के लिए। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं ईडीएम को दोबारा कैसे ओपन किया जाए। आप गूगल पे भी जाके ओपन कर सकते हैं। गूगल पे जाके ediumsmartpay.com डालेंगे तो इस तरह से बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये लाइन आपको दिखेगी, ediumsmartpay ज्वाइनिंग रेफर। आप इस लाइन पर क्लिक कर दीजिए। जब आप इस लाइन पर क्लिक कर देंगे तो इस तरह से एक बॉक्स ओपन होगा। आप यहाँ पर आके लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। जब आप यहां पे लॉगिन पे क्लिक कर देंगे तो आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगेगा। आप ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके साइन इन कर दीजिए। जब आईडी पे आप काम करते हुए आप आईडी को बंद करते हैं, आप लॉगआउट नहीं करते हैं, लॉगआउट नहीं करेंगे तो आप दोबारा जब ओपन करेंगे तो आपका इस तरह से पेज ओपन हो के आएगा, डैशबोर्ड जहां लिखा होगा। आप डैशबोर्ड पे दोबारा क्लिक कर देंगे तो भी आपकी साइट ओपन हो जाएगी। आपसे ईमेल आईडी और पासवर्ड मांग करके साइन इन करने के बोले या इस तरह से पेज ओपन हो जाए डैशबोर्ड करके, आप दोनों तरीके से आप ओपन करेंगे, आपकी साइट इस तरह से ओपन हो जाएगी। जब आपकी साइट इस तरह से ओपन हो जाए तो दोस्तों, आपको पहले की तरह थ्री लाइंस जो हैं, आप उस लाइन पे जा करके आप क्लिक करेंगे। जब आप इस थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे तो आपकी इस तरह से ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। आपका जहाँ पर नाम लिखा है वहाँ पर एक बगल में साइड में जो है एक लाइन है, आई बनाए, उस आई पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये दो लाइन आएंगी, प्रोफाइल और लॉग आउट। आपको प्रोफाइल पे क्लिक करना होगा। जब आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स इस तरह से ओपन हो जाएगा। दोस्तों, जब ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा तो आपको इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट करना होगा। जब आप ऊपर की तरफ थोड़ा शिफ्ट करेंगे तो आपको ये चार ऑप्शन आपको शो होंगे, प्रोफाइल, अकाउंट, पे आउट सेटिंग और रेफरल आईडी। आप दोस्तों प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। जब आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो एक और डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। आप इस बॉक्स को भी ऊपर की तरफ थोड़ा शिफ्ट करेंगे। जब आप इस तरह ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो आपकी अपनी डिटेल मांगेगा। आपको यहाँ पे अपना नेम, व्हाट्सअप नंबर, फेसबुक यूआरएल, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, स्टेट, कंट्री, ये आपको अपनी पूरी डिटेल भरनी होगी। अगर आप पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर, फेसबुक यूआरएल नहीं डालना चाहते हैं, कोई बात नहीं, मत डालिए। आपको अपनी फ़ोटो लगाना है तो आप ब्राउज़र पे जाएंगे तो इस तरह से आप ब्राउज़र पे क्लिक करके फाइल मैनेजर पे जाएंगे, फाइल में जाएंगे और उसके एक बॉक्स ओपन होगा, एल्बम पे जा करके जाएंगे, क्लिक करेंगे। जब आप एल्बम पे क्लिक करेंगे तो आपका कैमरे का ऑप्शन, स्क्रीन का शॉट जो भी होंगे, आप कैमरे में जा करके अपनी एक फ़ोटो लगा सकते हैं। दोस्तों, जब आपकी फ़ोटो लग जाए तो आप यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल कर दीजिए। जैसे ही आप अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा, योर डिटेल इज़ अपडेट सक्सेसफुली। इसके बाद ये थ्री लाइंस हैं, इस थ्री लाइंस पे आप क्लिक करके दोबारा प्रोफाइल पे जाएंगे। आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो वही आपका ऑप्शन खुल के आ जाएगा, प्रोफाइल, अकाउंट, पे आउट सेटिंग, रेफर आईडी। इस बार आप अकाउंट देखिए। अकाउंट में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अकाउंट में कुछ नहीं, आप अपना जो ईडीएम का अकाउंट है उसका पासवर्ड वगैरह दोबारा जनरेट कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको चेंज करना है उसमें कंफर्म पासवर्ड डाल के अपडेट प्रोफाइल कर दीजिए। आप अपडेट करेंगे तो यहाँ पे लिख करके आ जाएगा, योर डिटेल इज़ अपडेट सक्सेसफुली। दोबारा इस थ्री लाइन पे आप क्लिक करेंगे। जब आप ये थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वही बॉक्स ओपन हो जाएगा, आप अपने नाम के साइड में एक आई है उस पर क्लिक करके प्रोफाइल पे जाएंगे। इस बार आप देखिए पे आउट सेटिंग। पे आउट सेटिंग क्या होता है? पे आउट सेटिंग में अब आपको यहाँ पर अपने अकाउंट की पूरी डिटेल डालनी होगी। ब्राउज पे जा करके आप अपना कोई भी आईडी प्रूफ, अपनी सेल्फी, अपनी कोई फ़ोटो नहीं डालेंगे, कोई भी एक अपनी आईडी डालेंगे। उसके बाद पे आउट मेथड, अब आप यहाँ पे क्लिक करके देख लीजिएगा क्या मेथड आपको चाहिए। हमने यहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र डाला है। उसके बाद आपको यहाँ पर पे आउट मेथड डिटेल, यहाँ पर आप अपना नाम सबसे पहले डालेंगे, उसके नीचे बैंक का नाम, उसके बाद ब्रांच का नाम, फिर अकाउंट नंबर, उसके बाद आईएफएससी कोड डाल करके अपडेट प्रोफाइल कर देंगे। अभी आप ये डिटेल मत डालिएगा, पे आउट मेथड ना डालिएगा, क्योंकि आपकी जो है जब पेमेंट $10 हो जाएगी तभी आपको कैश मिलेगा, उससे पहले आपको कैश नहीं मिलेगा। तो जब तक आपको $10 नहीं हो जाता तो मेरे ख्याल से अभी आप ना डालें तो बेहतर होगा। फिर से ये थ्री लाइन्स पर आप क्लिक करेंगे और आपका नाम आएगा। आपकी नाम के साइड में एक आई बटन होगा, एक एरो का निशान होगा, उस एरो पे क्लिक करके आप अपने प्रोफाइल और लॉगआउट आगा तो प्रोफाइल पे आप क्लिक करेंगे।
जैसे ही आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे फिर वही चार ऑप्शन खुल के आएगा, प्रोफाइल, योर अकाउंट, पेआउट सेटिंग और रेफरल आईडी। इस बार आप अपने रेफरल आईडी पे क्लिक करेंगे। रेफरल आईडी एक यूआरएल होता है जिसे आपको लिंक करने में, आप दोस्तों को व्हाट्सएप पे लिंक करने में आसानी होगी। आप यूआरएल कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी करके अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा टास्क इनकम की। तो इस तरह से ये जो थ्री लाइंस हैं जहाँ आपको क्लिक करते हैं, यहीं पे आप क्लिक करेंगे तब इस तरह से पेज खुल करके आएगा। तो आपको डेली टास्क पे क्लिक करना है। जब आप डेली टास्क पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास चार ऑप्शन और ओपन होके आ जाएंगे, डेली ऐड पार्ट 1, डेली ऐड पार्ट 2, डेली ऐड पार्ट 3 और डेली न्यूज़ रीडिंग। जैसे कि आपको डेली ऐड पार्ट 1 और डेली न्यूज़ रीडिंग आपको कंपलसरी है, रोज़ करना है। जब आप ये दोनों टास्क कंप्लीट कर लेंगे उसके चार घंटे के बाद ही आपको डेली ऐड एक्स्ट्रा पार्ट करना होगा, एक्स्ट्रा इनकम के लिए डेली ऐड पार्ट 2 और डेली ऐड पार्ट 3। तो जो दोस्तों अब हम क्लिक कर देंगे चार घंटे के बाद डेली ऐड पार्ट 2, तो आपके सामने इस तरह से कुछ स्क्रीन ओपन होके आएगी। इस स्क्रीन पे आप ये देखिए यहाँ पे एक डेट पड़ी है, जहाँ ये डेट पड़ी है जहाँ वो आपका टास्क कहलाएगा। ये पहला ऐड है, इसके नीचे आपका होगा कंटिन्यू रीडिंग और कंटिन्यू रीडिंग के नीचे लिखा होगा उसके यही डेट। तो जहाँ जहाँ ये डेट है वहाँ वहाँ आपको ये पहला ऐड, दूसरा ऐड, तीसरा ऐड आपको शो होगा। तो हम इस पहले ऐड पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का पेज होगा, उसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये जो है ये कुछ एड्स हैं। तो हम इस पॉइंट्स पे थोड़ा रुकेंगे। यहाँ पर आप अपना नेम और ईमेल आईडी डाल के साइन इन कर देंगे और कोई भी मैसेज करेंगे इस तरह से तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा स्टे करना है, थोड़ा सा रुक जाएंगे और थोड़ा सा और ऊपर इसको मोबाइल की स्क्रीन को और थोड़ा आगे शिफ्ट करेंगे तो आपको वही चीज़ शो होएगी, प्लीज़ वेट। जब तक प्लीज़ वेट लिख करके आ रहा है दोस्तों तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ही प्लीज़ वेट जाएगा तो वहाँ पे क्लिक हेयर करेंगे तो आप क्लिक हेयर पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको शो होगा टास्क 11 इज़ मेक कम्प्लीट। तो अब यहाँ देखिए यहाँ पे जैन लिखा है 15/2019 डेट पड़ी है, तो ये आपका दूसरा टास्क होगा। आपको दूसरे टास्क पे क्लिक करना होगा, थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो इस टाइप से लोगो होंगे, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्टे करना है, थोड़ा सा रुक जाइए, देख लीजिए ये एड्स हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, थोड़ा रुक जाइए। और आप ऊपर करने जाएंगे तो आपको कमेंट्स करना चाहें तो कमेंट्स कर सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है कमेंट्स करना। अगर आप कमेंट्स कर देंगे तो आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। थोड़ा सा और ऊपर शिफ्ट करेंगे, सबसे नीचे थोड़ा से ऐड है, ऊपर भी ऐड है, थोड़ा सा नीचे वेट करेंगे, प्लीज़ वेट लिख करके आएगा, नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे थोड़ा सा ऐड्स होगा। तो जब तक प्लीज़ वेट लिख करके आ रहा है थोड़ा सा आप स्क्रीन को ऊपर नीचे डाउन अप कर लीजिए। जैसे ही प्लीज़ वेट जाएगा तो क्लिक हेयर लिख करके आ जाएगा। जब आप क्लिक हेयर पे क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टास्क 12 इस कंप्लीट लिख करके आ रहा है। इसी तरह से आपको 5 ऐड यहाँ पे करना होगा। 5 ऐड करने के बाद यहाँ पे नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया है, नंबर 2 पे क्लिक कर देंगे तो फिर वहीं पे नंबर 2 आ जाएगा। इस तरह से नंबर 1 में 5 ऐड होंगे और नंबर 2 में आपके 5 ऐड होंगे। ये 5 इधर और 5 उधर, 5 1 के 5 2 का आप इस बिल्कुल सेम तरह से आप करेंगे। सेम तरह से अगर आप कमेंट्स करना चाहें तो कमेंट्स कर सकते हैं। ये 5 पार्ट 1 में, पार्ट 2 में 5-5 ऐड होते हैं। इस तरह से 10 ऐड आपको यहाँ पे करने होंगे। 10 ऐड आप यहाँ से जब कंप्लीट कर लेंगे तो आपको 4 घंटे के बाद फिर आपको कंप्लीट करना होगा। इसी तरह से आपको कंटिन्यू करना है, वही प्लीज़ वेट और करना होगा। और उसके बाद जब प्लीज़ वेट चला जाए तो क्लिक हेयर पे क्लिक करके आपको टास्क को आगे करना होगा। जिस तरह से पार्ट 1 है उसी तरह से बिल्कुल सेम पार्ट 2 है। उसके 4 घंटे के बाद आप पार्ट 3 ऑप्शन भी खोल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे शो होगा कम बैक आफ्टर 4 आवर्स फॉर मोर टास्क। 4 घंटे के बाद अब आप जब फिर दोबारा आएंगे तब आपको क्लिक करना होगा। यहाँ से वापस जाने के लिए आपको जहाँ लाइफ है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे हल्का सा तो इस तरह से माई अकाउंट लिख करके आएगा। माई अकाउंट पे 4-5 बार 6 बार आप क्लिक करेंगे, वन टाइम में नहीं वापस जाता है, कभी कभी सर्वर एरर हो जाता है। आपका 5-6 बार क्लिक करेंगे तो आप वापस होम में आप चले जाएंगे। इस तरह से यहाँ पे आप वापस आ जाएंगे। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। जैसे ही पार्ट 2 किया है आपने, टेली टास्क पार्ट 2 किया है, उसी तरह से बिल्कुल सेम 4 घंटे के बाद डेली ऐड पार्ट 3 करेंगे।